की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूँ न्योन मैन और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे चीज के बारे में जिससे कि आई एम श्योर 99.99% ऑफ यू हेट इट, और वो है एग्जाम। बट कुछ ऐसा वैसा एग्जाम नहीं, द बाप ऑफ एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। कुछ कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं वो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स दे चुके हैं, या कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं। बट मी पर्सनली, मैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स दिया हूँ इस साल, एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ मी गिविंग माई बोर्ड एग्जाम। सो बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने से पहले हमें स्कूल से कुछ प्रिपरेशन डेज मिलते हैं, एंड देन फाइनली द लास्ट प्रिपरेशन डे अराइव, जिसके अगले दिन हमारा फर्स्ट एग्जाम होगा। सो मैंने अपने बोर्ड एग्जाम्स ICSE बोर्ड से दिए थे, एंड ICSE बोर्ड्स का फर्स्ट एग्जाम होता है इंग्लिश लैंग्वेज। मेरा इंग्लिश उतना खराब नहीं है, बट स्टिल वो जो डर होता है ना फर्स्ट डे ऑफ बोर्ड एग्जाम्स, आई मीन दैट वाओ। आई एम श्योर आप सब लोग को समझ आ रहा होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, जो लोग बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उस दिन सोच सोच के कि मेरा फर्स्ट एग्जाम होगा, मैं पूरा रात नहीं सो पाया। आई गॉट अबाउट 2 hours ऑफ स्लीप ओनली, एंड देन फाइनली द डे अराइव्स। अब तैयार होके खाना खा के जब आप स्कूल एंटर कर रहे होते हैं ना, देन लाइक वो फीलिंग आपको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, दैट फियर, दैट एंजाइटी। एंड जब मैं एंटर किया था ना एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, द फर्स्ट थॉट दैट केम इनटू माय माइंड वाज दैट, अरे भाई मैं तो सोचा था कि ये दिन तो कभी आएगा ही नहीं। लाइक छोटे में हम लोग सोचते हैं ना कि ये दिन कभी आएगा नहीं, अभी मस्ती करो। बट मैं आगे खड़ा होकर देख रहा था, मेरा बोर्ड एग्जाम्स है, एंड आई एम Inside the examination hall. Anyways, तो हमें examination hall थोड़ा जल्दी enter करना पड़ता है। तो जब सब लोग सेटल हो जाते हैं, तब फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट द invigilators एंड अस ऑल स्टूडेंट्स एक दूसरे को ताकते रहते हैं। लाइक लिटरली कुछ करने को नहीं होता है, एक दूसरे को हम लोग सिर्फ देखते रहते हैं। पेपर देना। बट जब पेपर मिल जाता है एंड वी स्टार्ट आवर एग्जामिनेशन, हम लोग लिखना स्टार्ट कर देते हैं पेपर, तब सब कुछ नॉर्मल लगने लगता है, लाइक नॉर्मल एग्जाम दे रहे हैं हम लोग। एंड जब हम लोग फर्स्ट पेपर कंप्लीट करते हैं, लाइक बहुत प्रेशर रिलीज होता है। उसके बाद ऐसे ही 25-30 दिन एग्जाम चलते जाता है। देन फाइनली दैट डे अराइव्स व्हेन हमें फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन टाइम मिलता है। लाइक दैट पीरियड इज वेरी टॉर्चरस। इस बार हमारा मैथ्स एग्जाम फाइनल एग्जाम था, एंड वी गॉट अबाउट 9 days फॉर प्रिपरेशन। लाइक 9 days, आप सोच सकते हैं 9 days हम लोग को इतना टॉर्चर हुआ। पढ़ाई तो लास्ट 3-4 ही दिन में हुआ। सब लोग प्लान्स बना लिए हैं, सब कुछ हो गया, एग्जाम के बाद ये करेंगे वो करेंगे, एंड देन द एग्जाम एंड्स फाइनली। लाइक उस दिन एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाके हम लोग इतना चिल्लाए, लाइफ में कभी इतना नहीं चिल्लाए होंगे। तो एग्जाम खत्म, हम लोग सब घर पहुंच गए, एक एक करके सब लोग अपना फेसबुक, व्हाट्सएप, सब लोग अपना सोशल मीडिया रिस्टोर करके, इंस्टॉल करके चलाने लगते हैं, एंड सारे प्लान्स जो बने थे सब गया पानी में। एंड ऑल वी डू इज फोन, स्लीप एंड ईट, ओनली दीज 3 things। लाइक इतना लेजी फील होता है कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो ये था जस्ट अ शॉर्ट वीडियो इन विच आई शेयर्ड माई एक्सपीरियंस ऑफ बोर्ड एग्जाम्स एंड आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स। एंड फॉर ऑल दोज जो बोर्ड एग्जाम्स देने वाले इन नियर फ्यूचर, डोंट वरी, इट्स जस्ट अ नॉर्मल एग्जाम, पेपर बहुत आसान आता है। एंड एक और टिप मैं देना चाहता हूँ जो लोग बोर्ड एग्जाम्स देने वाले हैं, आप अपने वीकनेस को ढूंढिए, लाइक एज फास्ट एज पॉसिबल उसको आप ध्यान लगा के पढ़िए, इट विल रियली 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 हेल्प यू लेटर। सो अब मैं भी चलता हूँ, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।